हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एग्रीकल्चर साइंस कृषि विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी देने जा रहा हूँ। ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि वन दरोगा, पशुधन प्रसार अधिकारी, बीएससी बीटेक एग्रीकल्चर साइंस एंट्रेंस एग्जाम, आईसीएआर, ग्राम विकास अधिकारी, एसएससी, रेलवे, आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें कि एग्रीकल्चर साइंस कृषि विज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की स्टडी के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी दी जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। इससे पहले के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक बताए गए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 51 है, एटीपी का पूरा नाम है, सही उत्तर है एडीनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम होता है एडीनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडीनोसिन ट्राईफॉस्फेट एटीपी का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 52 है, पौधे द्वारा जल अवशोषण की दर कम हो जाती है, सही उत्तर है पोटेशियम का। पौधे द्वारा जल अवशोषण की दर कम हो जाती है पोटेशियम का। क्वेश्चन नंबर 53 है, मल्टी लाइनों का विकास जिन बीजों को बराबर मात्रा में मिलाकर किया जाता है वे हैं, सही उत्तर है अनुवंशिकता असमान लाइन। मल्टी लाइनों का विकास जिन बीजों को बराबर मात्रा में मिलाकर किया जाता है वे अनुवंशिकता असमान लाइन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, स्वनिश्चितता सेल्फ कॉम्पैटिबिलिटी विकास में सहायक है, सही उत्तर है शुद्ध वंशक्रम प्रजाति के। स्वनिश्चितता सेल्फ कॉम्पैटिबिलिटी शुद्ध वंशक्रम प्रजाति के विकास में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, लिंग सहलग्नता की खोज सर्वप्रथम की थी, सही उत्तर है टी एच मॉर्गन ने। लिंग सहलग्नता की खोज सर्वप्रथम टी एच मॉर्गन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 56 है, न्यूक्लिक अम्ल सबसे पहले पृथक किया था, सही उत्तर है माइसर 1871 ने। न्यूक्लिक अम्ल सबसे पहले माइसर 1871 ने पृथक किया था। क्वेश्चन नंबर 57 है, मनुष्यों में सामान्य मादाएं होती हैं, सही उत्तर है समयुग्मता लिंग। मनुष्यों में समान मादाएं समयुग्मता लिंग होती हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, संद मनी जीन क्रिया रेशियो ऑपरेंड इन इनहिबिटरी में अनुपात मिलता है, सही उत्तर है 13:3। संद मनी जीन क्रिया रेशियो ऑपरेंड इन इनहिबिटरी में अनुपात 13:3 का मिलता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, जल के आधे मोल का भार होता है, सही उत्तर है 0.9 भाग। जल के आधे मोल का भार 0.9 भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, कौन सा कोशिका अंग आत्महत्या के थैली का कार्य करता है, सही उत्तर है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स वह कोशिका अंग है जो कि आत्महत्या के थैली का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल स्त्री पूर्वता प्रोटोजैनी प्रकृति की है, सही उत्तर है बाजरा। बाजरा जो फसल है ये स्त्री पूर्वता प्रोटो जाइनरी प्रकृति की है। क्वेश्चन नंबर 62 है, वंशावली चयन पेडिग्री सिलेक्शन विधि उपयोग में लाई जाती है, सही उत्तर है स्वतः परागित फसलों के लिए। वंशावली चयन पेडिग्री सिलेक्शन विधि स्वतः परागित फसलों के लिए उपयोग में लाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 63 है, किस फसल में जीनिया पाई जाती है, सही उत्तर है मक्का बाजरा चावल। मक्का बाजरा चावल की फसल में जीनिया पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 64 है, किस फसल में मेटा जीनिया पाई जाती है, सही उत्तर है खजूर में। खजूर की फसल में मेटा जीनिया पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 65 है, गुणसूत्र बने होते हैं, सही उत्तर है न्यूक्लिक अम्ल के। गुणसूत्र न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, एक्सॉन व इंट्रॉन शब्दों का संबंध है, सही उत्तर है स्प्लिट जीनों से। एक्सॉन व इंट्रॉन शब्दों का संबंध स्प्लिट जीनों से है। क्वेश्चन नंबर 67 है, 2N-1-1 दशा है, सही उत्तर है द्विगुण सूत्र कायिक डबल मोनोसोमिक।
क्वेश्चन नंबर 68 है, अनुवंशिकता के जनक हैं, सही उत्तर है जीजे मंडल, अनुवंशिकता के जनक जीजे मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, 2n+2 दशा है, सही उत्तर है टेट्रासोमिक, 2n+2 दशा टेट्रासोमिक है। क्वेश्चन नंबर 70 है, डीएनए एक जेनेटिक पदार्थ है दिया था, सही उत्तर है ग्रिफिथ, डीएनए एक जेनेटिक पदार्थ है जो कि ग्रिफिथ ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 71 है, लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं, सही उत्तर है एलोसोम्स, लिंग गुणसूत्र एलोसोम्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस पाया जाता है, सही उत्तर है जनन कोशिकाओं में, अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, सूत्री विभाजन मिटोसिस की खोज की थी, सही उत्तर है फ्लेमिंग ने, सूत्री विभाजन मिटोसिस की खोज फ्लेमिंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 74 है, जीन बना होता है, सही उत्तर है केवल डीएनए का, जीन केवल डीएनए का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, प्रबलता एपिस्टेसिस शब्द दिया था, सही उत्तर है मॉर्गन 1910 में, प्रबलता जो शब्द दिया था यह मॉर्गन ने 1910 में दिया था। क्वेश्चन नंबर 76 है, मनुष्यों में गंजापन बाल्डनेस होता है, सही उत्तर है लिंग प्रभावित लक्षण, मनुष्यों में गंजापन बाल्डनेस लिंग प्रभावित लक्षण होता है, तो जब मनुष्यों में गंजापन या बाल्डनेस होता है तो वो एक लिंग प्रभावित लक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, संकरण के बाद संतति के आकार या खोज ओज में हुई वृद्धि को कहते हैं, सही उत्तर है हेटेरोसिस, संकरण के बाद संतति के आकार या ओज विगौर में हुई वृद्धि को हेटेरोसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवंशिकी के सिद्धांत को किस वर्ष में प्रकाशित किया, सही उत्तर है 1866 में, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवंशिकी के सिद्धांत को 1866 वर्ष में प्रकाशित किया। क्वेश्चन नंबर 79 है, ट्रिटिकेल का विकास गेहूं को किससे संकरण करके किया गया था, सही उत्तर है राई से, ट्रिटिकेल का विकास गेहूं को राई के संकरण करके किया गया था। क्वेश्चन नंबर 80 है, कोल्बिसीन का प्रयोग किया जाता है, सही उत्तर है बहुगुणिता से, कोल्बिसीन का प्रयोग बहुगुणिता से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, अर्धसूत्रण मियोसिस के समय प्रोफेज वन की किस अवस्था में जीन विनिमय पाया जाता है, सही उत्तर है पैकिटिन में, अर्धसूत्रण मियोसिस के समय प्रोफेज वन की पैकिटिन अवस्था में जीन विनिमय पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, अप्रकाशित क्रिया डार्क रिएक्शन होती है, सही उत्तर है स्ट्रोमा में, अप्रकाशित क्रिया डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है। क्वेश्चन नंबर 83 है, एकल संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस में प्रति संकरण बैक क्रॉस होगा, सही उत्तर है 1:1, एकल संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस में प्रतीप संकरण बैक क्रॉस 1:1 होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, जब किसी इनब्रेड लाइन की मिश्रण शक्ति कॉम्बिनाइन एबिलिटी का परीक्षण किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन एक संकरण क्रॉस प्रयोग में लाया जाता है, सही उत्तर है चरम संकरण टॉप क्रॉस। जब किसी इनब्रेड लाइन की मिश्रण शक्ति कॉम्बिनाइन एबिलिटी का परीक्षण किया जाता है तो चरम संकरण टॉप क्रॉस प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से कौन अनुवादन ट्रांसलेशन द्वारा उत्पादित होता है, सही उत्तर है प्रोटीन, प्रोटीन जो होता है यह अनुवादन या ट्रांसलेशन द्वारा उत्पादित होता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, इनवर्स यील्ड नाइट्रोजन नियम किसने प्रस्तावित किया था, सही उत्तर है विलकॉक्स 1929, इनवर्स उपज नाइट्रोजन इनवर्स यील्ड नाइट्रोजन नियम विलकॉक्स 1929 ने प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन नंबर 87 है, अनुवंशिकी अध्ययन है, सही उत्तर है वंशागति एवं विविधता का, अनुवंशिकी वंशागति एवं विविधता का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 88 है, संकर ओज का व्यापारिक उपयोग किसमें किया जाता है, सही उत्तर है परपरागित फसलों में,
संकर ओज का व्यापारिक उपयोग पर परागित फसलों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है? सही उत्तर है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। क्वेश्चन नंबर 90 है, जीनोटाइप व फिनोटाइप शब्द निम्नलिखित में से किसने दिए? सही उत्तर है जोहानसन। जीनोटाइप व फोनोटाइप शब्द जोहानसन ने दिए। क्वेश्चन नंबर 91 है, बहुवंश कृमि किसमें मिश्रण होती है? सही उत्तर है रोग रोधिता के विभिन्न जीन वाले अनेक समान शुद्ध वंशक्रम। बहुवंशक्रमी किसमें रोग रोधिता के विभिन्न जीन वाले अनेक समान शुद्ध वंशक्रम की मिश्रण होती हैं। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथन दे रखे हैं। पहला कथन है, केंद्रीय आवरण और न्यूक्लियोलस के निकट हेटेरोक्रोमेटिन इकट्ठा हो जाता है। सेकेंड है, यूक्रोमेटिन अंतरावस्था में दिखाई पड़ता है और पूरे न्यूक्लियो प्लाज्म में विपरीत है। थर्ड कथन है, यूक्रोमेटिन न्यूक्लियोलस और केंद्रीय आवरण के निकट इकट्ठा हो जाता है। इन कथनों में से सही है, सही उत्तर है फर्स्ट और थर्ड। पहला जो कथन है, केंद्रीय आवरण और न्यूक्लियोलस के निकट हेटेरोक्रोमेटिन इकट्ठा हो जाता है, यह कथन सही है। और थर्ड कथन, यूक्रोमेटिन न्यूक्लियोलस और केंद्र की आवरण के निकट इकट्ठा हो जाता है, कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 93 है, स्ट्रोमा और ग्रेना भाग है। सही उत्तर है हरित लवक का। स्ट्रोमा और ग्रेना हरित लवक का भाग है। क्वेश्चन नंबर 94 है, लाइसोसोम शब्द सर्वप्रथम दिया था। सही उत्तर है डुवे 1955। डुवे ने 1955 में लाइसोसोम शब्द सर्वप्रथम दिया था। क्वेश्चन नंबर 95 है, मेंडल का स्वर्गवास हुआ था। सही उत्तर है 1884 में। मेंडल का स्वर्गवास 1884 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 96 है, विनिमय क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है। सही उत्तर है पैकेटिन। विनिमय क्रॉसिंग ओवर पैकेटिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 है, बहुजीनी पॉलीजीनस शब्द सबसे पहले प्रयोग किया। सही उत्तर है के माथुर। बहुजीनी पॉलीजीनस शब्द सबसे पहले के माथुर ने प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 98 है, जीव द्रव्य वंशाकृति साइटोप्लास्मिक इनहेरिटेंस शब्द सबसे पहले बताई थी। सही उत्तर है कोरेंस ने। जीव द्रव्य वंशाकृति साइटोप्लास्मिक इनहेरिटेंस सबसे पहले कोरेंस ने बताई थी। तो इस वीडियो में कृषि विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी दी गई है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वन दरोगा, लाइव स्टॉक ऑफिसर, बीएससी बीटेक, एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम, आईसीएआर, ग्राम विकास अधिकारी, एसएससी, रेलवे, आईएएस, पीसीएस आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की स्टडी के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।